हाथरस से खबर है, पुलिस ने जब्त किया है 840 किलो गांजा। 1.25 करोड़ की बताई जा रही है बाजार में गांजे की कीमत। तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली 2 गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कोतवाली सादाबाद पुलिस को ये सफलता मिली है। हाथरस से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पुलिस ने जब्त किया 840 किलो गांजा। 1.25 करोड़ की कीमत वाला गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 1.25 करोड़ बताई गई। तस्करी के लिए जो इस्तेमाल में गाड़ियां लाई गई थी, जिनकी संख्या 2 है, उनको भी बरामद किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। कोतवाली सादाबाद पुलिस को यह सफलता मिली है, जहां 480 किलो गांजा जब्त किया पुलिस ने, 1.25 करोड़ की कीमत का गांजा। देवेंद्र परासर जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी देवेंद्र। कोतवाली सादाबाद पुलिस को सफलता मिली, 840 किलो गांजा बरामद किया है। किस तरीके से सूचना मिली और कैसे पुलिस ने जाल बिछाया? निश्चित रूप से पुलिस को सफलता मिली है और सादाबाद पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश थी, क्योंकि गांजे का यहाँ अवैध कारोबार चल रहा था, तो पुलिस ने काफी जाल बिछा रखा था मुखबिरों का। एक मुखबिर ने बड़ी सटीक सूचना दी, जिससे सीओ सादाबाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस गांजे को पकड़ा। लेकिन जो तस्कर थे वो वाहन छोड़ के फरार हो गए और ये गांजे बड़ी भारी कीमत का बता रहे। इसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी देवेंद्र, कहां से ये लाया गया और कहां इसकी डिलीवरी होनी थी? किस तरीके से इसको इधर उधर ठिकाने पर लगाया जाना था? क्या ये जानकारी निकल कर आई सामने? जी, ये हाथरस में ही काफी समय से पुलिस को सूचना मिल रही थी, क्योंकि हाथरस में गांजे का जहां जहां बिक रहा था, छोटे मोटे जो व्यापारी बेचने वाले थे उनको पकड़ा भी जा रहा था, तो उसी लिए पुलिस ने ये जाल बिछा रखा था। ये हाथरस में ही बिकना था, लेकिन लाया कहां से जा रहा था इसके भी पता नहीं चला, क्योंकि जो आरोपी है वो फरार है और जैसे ही वो हाथ लगते हैं तो निश्चित रूप से पता चलेगा कि कहां से खरीद कर लाए। चलो, नजर बनाए रखिएगा, आपके पास हम फिर अपडेट के लिए आएंगे। देवेंद्र, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।